Hey everyone, welcome back to my channel. So this is Isha Rajput and aap sabka swagat hai mere is Law of Assumption ki channel pe jahan pe hum baat karte hain manifestation ke bare mein, self development ke bare mein. Aur agar aap interested hain in sub topic mein to please surely subscribe kariyega, mujhe bahut khushi hogi. So aaj I guess day 20 hai. हाँ, डे 20 कल था एंड डे 21 है आज. सो मैंने कहा था कि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, सो मैं कंपाइल करके दो दिन का वीडियो डाल दिया करूँगी. तो कल का एग्ज़ाम बढ़िया हुआ. जिन लोगों को ये डाउट आ रहा होगा कि एग्ज़ाम कैसा हुआ होगा, तुम लास्ट मोमेंट पे स्टडीज पढ़ते हो. एग्ज़ाम अच्छा था एंड बस. सो आज है डे 21. बहुत मज़ा आ रहा है एक्चुअली. मैं बीच में 3 दिन का एक लो फेज आया था, ठीक है, जिसमें आई वॉज़ वेरी एंग्री, आई वॉज़ वेरी इरीटेटिंग, नॉट इरीटेटिंग, आई वॉज गेटिंग इरीटेटेड. एंड अब एकदम मक्खन, एकदम स्मूथ. और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आई वॉज़ फॉलिंग डाउन अगैन, इनफैक्ट आई वॉज थिंकिंग कि मैं इस चैलेंज को क्विट कर दूँ. सो क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आई एम मेकिंग फूल ऑफ माई सेल्फ, आई वॉज मेकिंग फूल ऑफ माई सेल्फ, ऐसा मुझे लग रहा था. बट अब मुझे ऐसा हुआ कि यार, मतलब तुमने एक चीज़ करने की सोची और तुम पूरी किए बिना ही तुम रुक गए. इससे ज़्यादा गंदी चीज़ क्या हो सकती है, फेलिंग विदाउट इवन ट्राइंग. सो वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैलेंज. ऐसा नहीं है, जिन लोगों को पता नहीं है, मेरी एक डिज़ायर थी ऑफ हैविंग 100K सब्सक्राइबर्स. सो ऑफिशियली वी हैव क्रॉस्ड 10K राइट नाउ. And we were applying our manifestation techniques to achieve our desire. So 100K ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे, टाइम लगेगा बट हो जाएंगे. एंड मतलब ये मैं उस पर्स्पेक्टिव से बोल रही हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ सको, क्योंकि मैं तो अपने आप को सिर्फ एक ही चीज़ बोलती हूँ कि हो गया यार, ये चीज़ हो चुकी है, मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मुझे. एंड सबसे आज कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसे मैं हर रोज़ आके बोलती हूँ कि आज ये प्रॉब्लम आई, ये हुआ, वो हुआ, बट आज कोई प्रॉब्लम नहीं है. रात को भी बहुत अच्छे से आई वॉज विजुअलाइजिंग इट एंड सुबह उठते ही बहुत अच्छी फीलिंग थी. एंड आई एम जस्ट टेलिंग माई सेल्फ, लाइक आई एम अफर्मिंग अगेन एंड अगेन. जब भी मुझे इसका ख्याल आता है मैं जस्ट अफर्म करती हूँ, अरे 100K वो तो हो गया है, अरे इट्स डन फॉर मी, आई फील सो हैप्पी एंड सैटिस्फाइड. ये 3 सेंटेंसेस मैं अपने आप को बोलती रहती हूँ. एंड ऑनेस्टली आई एम सीइंग ग्रोथ ऑन दिस चैनल. मतलब काफ़ी ऐसे चैनल होते हैं जहाँ पे, अगर मैं कंपैरिजन कर रही हूँ तो अच्छे से करती हूँ, काफ़ी ऐसे चैनल होते हैं जहाँ पे मतलब 10 सब्सक्राइबर्स बढ़ाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है. एंड आई एम ग्रोइंग ऑन अ वेरी नॉर्मल स्पीड, ओके, लाइक 10 to 15 सब्सक्राइबर्स पर डे. सो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर मी बिकॉज मेरा चैनल एक टाइम पे स्टैगनेंट था, बट राइट नाउ इट्स ग्रोइंग एंड इट्स ग्रोइंग फास्ट. So I feel so happy and yes, I feel grateful that that I have 10K subscribers. Thank you so much for this. But मेरे दिमाग में मेरे नाम के नीचे सिर्फ 100K आता है. एंड मैंने क्या किया हुआ है, मतलब अगर आप भी ये चीज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको एक टिप देती हूँ, एक ट्रिक देती हूँ. वो टिप, वो ट्रिक ये है, अगर आपके पास, मैं कहूँ ये फिंगर है, दिस फिंगर, ओके, सो आप अपने आप को क्या कहेंगे, अरे ये फिंगर तो मेरे पास है, मतलब आई कैन फील इट, आई कैन टच इट, आई कैन सेंस इट, आई ऑलरेडी हैव इट, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग फॉर दिस. आप इस विश्वास के साथ इस चीज़ को बोलते हैं, राइट. अब इसी विश्वास के साथ आपको अपनी एफर्मेशंस बोलनी है, जिस भी चीज़ की आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, ठीक है. सपोज मनी, रिलेशनशिप्स, जॉब्स, प्रमोशंस, फ्रेंडशिप्स, फेम, वट एवर यू वॉन्ट, बस इसी कन्विक्शन, इसी बिलीफ और इसी ट्रस्ट के साथ आपको बोलना है, अरे यार ये चीज़ तो है. सो आई डोंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग, इट्स ऑलरेडी डन फॉर मी. सर्कमस्टांसेस डोंट मैटर, आस पास कुछ भी चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, इट डजेंट मैटर. आई फॉरगॉट टू ऐड वन थिंग एंड दैट इज, जब भी आप विजुलाइज कर रहे हैं अपनी विजुलाइजेशन को इतनी इंटेंसिटी के साथ जियो, इतनी सच्चाई के साथ जियो कि तुम्हें खुद को विश्वास हो जाए कि ये चीज़ हो चुकी है और तुम्हारे अंदर उस चीज़ को चेज़ करने की जो
डिज़ायर है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा इस चीज़ को होने के लिए मेरी लाइफ में, वो चीज़ ख़त्म हो जाए, तुम्हारे अंदर उस चीज़ को पाने की चाह ही ना रहे, क्योंकि तुमने अपने आप को इतना विश्वास दिला दिया, अरे ये चीज़ तो हो चुकी है एंड मैंने तो उसको जी भी लिया है, मतलब इतनी सच्चाई के साथ उस चीज़ को जीना। अगर सपोज, अगर तुम्हें एग्जाम्पल्स देके समझाती हूँ, अगर तुम्हें कोई गाड़ी चाहिए, ठीक है, तो अभी तो रियलिटी तो यही है कि अगर तुम्हें कहीं जाना है तो तुम्हारे पास वो गाड़ी नहीं है, राइट? रियलिटी तो यही है, सॉरी मैं हाथ से शूट कर रही हूँ। सो तुम क्या कर सकते हो, अब तुम्हें कहीं जाना है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, लेकिन जब तुम अपने घर से बाहर निकलोगे, तुम अपने आप को अपने साथ क्या करोगे, अपनी इमेजिनरी की लोगे उस गाड़ी की एंड उसे अनलॉक करोगे, ठीक है, चाहे वो यहाँ पे नहीं है बट उसे करना है, ठीक है। अगर तुम बस में बैठे हो तो, या तुम किसी और जगह पे हो, किसी के साथ हो, तो तुम उस सीट पे बैठे बैठे फील कर सकते हो कि अगर मैं इस टाइम पे उस गाड़ी में बैठा होता या होती तो उस चीज़ का फील कैसे होता, और उसे फील करो, मतलब जैसे गाड़ी की वाइब्रेशन, गाड़ी की आवाज़, गाड़ी कौन चला रहा है, गाड़ी में कौन सा गाना बज रहा है, हमारी क्या बातें हो रही हैं गाड़ी में, ये सब आपको विजुलाइज़ करना है। मतलब उसे इतनी इंटेंसिटी के साथ जियो कि तुम्हें भूल ही जाए कि तुम्हारे पास वो चीज़ है ही नहीं, और इसी फीलिंग के साथ तुम्हें पूरा दिन कैरी ऑन करना है और इसी फीलिंग के साथ रहो। सीरियसली कोई लिमिटेशंस नहीं है इसके लिए, ये 2 दिन में भी कमाल कर सकती है, या 2 हफ्ते में भी, या 2 महीने भी लग सकते हैं अगर आप इसे ठीक से नहीं कर रहे तो। और ऐसा नहीं है कि अगर आप लेट आ रही है आपके पास कोई चीज़ तो ऐसा मतलब नहीं है कि आप गलत तरीके से उसे विजुलाइज कर रहे हो, नहीं, इट्स जस्ट दैट कि वो भी सही टाइम नहीं है आपके लिए, ओके? लेकिन आप इस फीलिंग के साथ उसे इतनी इंटेंसिटी के साथ जियो, उस विजुलाइजेशन को, उस डे ड्रीमिंग को, कि आपको लगे कि वो आपकी अभी रियलिटी बन चुका है। दैट्स इट। जैसे ये लोग बोल रहे हैं, इट डजंट मैटर, आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, मेरे को जो मैसेज कन्वे करना है वो मैं कन्वे कर रही हूँ और सब शांत है, इट्स ऑलरेडी काम। मतलब हमें एक एंड पर्सपेक्टिव से देखना है, जैसे कि हम ऑलरेडी वो चीज़ अचीव कर चुके हैं, एंड आपको बस फीलिंग पे ध्यान रखना है। अगर मैं आपको बोलूँ, आपका चॉकलेट खाने का मन है, बहुत ज़्यादा मन है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, और मैं आपको एक अच्छी सी चॉकलेट अभी दे दूँ, आपको खुशी होगी, अरे यार मैं तो यही चीज़ चाहती थी और मुझे मिल गया, तो आई एम फीलिंग सैटिस्फाइड, बड़ी खुशी होती है जब कुछ चाहो और मिल जाए, है ना? तो आपको अपनी मैनिफेस्टेशंस भी उसी फीलिंग के साथ करनी है, फन, चिल, और ज़्यादा ना स्ट्रेस नहीं करना है, लाइट लो। नेविल गोडार्ड एक चीज़ कहते हैं, ठीक है, नॉट नेविल गोडार्ड, सॉरी मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, शी इज़ अ वेरी फेमस ऑथर एंड आई हैव जस्ट रेड अ बुक ऑफ हर, बिटवीन डेथ एंड लाइफ। सो शी सेज लाइक, आप अपनी लाइफ में जो भी सर्कमस्टांसिस में हैं, ये आपने खुद चूज़ किए हुए हैं, यू आर हेयर जस्ट टू प्ले अ रोल, ओके? सो अपनी लाइफ को ऐसे जियो जैसे तुम एक एक्टर की तरह जी रहे हो, ठीक है? सो हाउ वुड यू बिहेव इफ़ यू नो दिस थिंग, लाइक ज़्यादा स्ट्रेस लेके भी कहीं नहीं पहुँचोगे, तो हल्के फुलके में ही तुम्हारा हो सकता है अच्छा खासा, हल्का फुल्का रह के भी, ज़्यादा स्ट्रेस ना लेके भी तुम्हारी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, स्ट्रेस नहीं लेना है। और उसका एक ही एंटीट्यूड है, ऐसी चीज़ें करो जो तुम्हें खुशी देती है। सपोज़ जैसे तुम्हारा भी रोने का मन कर रहा है एंड यू डोंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, ठीक है, तुम रो रहे हो, तुम्हारा कुछ मन नहीं कर रहा करने का, तो तुम क्या कर सकते हो, रोलो बाय द स्प्रिंग, रोलो रोलो रोलो। उसके बाद अपना दिमाग, फिजिकली एक्टिव होना जो है वो सिर्फ आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, मेंटली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, तो ऐसा कोई काम करो जिससे आपकी सोच बंद हो जाए, अब वो काम कुछ भी हो सकता है। अब मैं इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं सिर्फ 5 मिनट का टाइमर लगाती हूँ और उस 5 मिनट में मैं अपने आप अंदर जो सोच चल रही होती है उस सोच को बंद करने के लिए बस एक ही लाइन बार बार बोलती हूँ। उस टाइम पे मैं ये बोलती हूँ, आई एम काम एंड फोकस्ड एंड हैप्पी, आई एम काम एंड फोकस्ड एंड हैप्पी। 5 मिनट तक मैं ये बोलती रहती हूँ। आप इसे मतलब आउट लाउड भी बोल सकते हो, आप दिमाग में भी बोल सकते हो, जहाँ आपका मन करता है, ठीक है।
एंड सी इफ यू आर ओवर थिंकिंग ना, ये टेक्निक बहुत इफेक्टिव है. 5 मिनट का टाइमर लगाओ, इवन इफ आपका मन नहीं कर रहा ना, सिर्फ 5 मिनट ये चीज़ बोलो, इमीडिएटली यू विल फील डिफरेंट. एंड सीरियसली यही चीज़ ने मुझे इस 3 दिन के लो फेस से ऊपर किया है. मतलब इट हैज़ लिटरली लिफ्टेड मी फ्रॉम ऑल दैट सैडनेस दैट आई वॉज हैविंग. एंड टुडे इज द डे 21 ऑफ विजुअलाइजेशन. आई फील वेरी ग्रेटफुल बिकॉज इट्स ऑलरेडी डन फॉर मी इन माई हेड एंड इन माई रियालिटी. आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरी वन हु इज सपोर्टिंग मी एंड इंटरेक्टिंग विद माई वीडियोज. एंड आई फील वेरी ग्रेटफुल दैट आई एम एबल टू हेल्प समबडी. इवन इफ वन पर्सन इज गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो, आई फील ऑनरेबल लिटरली, बिकॉज दिस इज द पर्पज ऑफ दिस चैलेंज. दिस इज द पर्पज ऑफ दिस video, like this channel. I created this channel so that we all can have development in our life, we all can grow out of all the bad experiences that we had, to happiness, towards like humility, towards like compassion, things like these. So this was day 21 and abhi tak to kafi badhiya chal raha hai and it's already done for me. I have 100k subscribers and I am living the best of my life, and I hope the same for you. That's all for today and I'll see you tomorrow. Keep watching. Bye.